हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल ईवी मॉन्क पे। आपका मैं सस्पेंस दूर करते हुए आपको बता दूं कि आज हम एक जयपुर बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी के स्टॉल पे खड़े हैं और आज मैं आपको उन्हीं के बाइक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं हम जो जयपुर की ये बाइक है ईवीओस कंपनी की, ये कौन कौन से मॉडल हैं इसके और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन, क्या डिटेल है, तो जानते हैं इनके एग्जीक्यूटिव से। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो एंड हैव अ टॉक विद देम। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ईवीओस पावर्ड बाय होंडा ईवी की ई बाइक अरिक के बारे में, अरिक का मैं जो आपको वॉक अराउंड है वो कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे इसके यहाँ पे आपको दोनों रियर मिरर मिल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो लुक है, जो इसका एलसीडी पैनल है वो एकदम नेकेड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी एलईडी हेडलाइट्स हैं और ये इसके इंडिकेटर हैं लेफ्ट और राइट में। और यहाँ पे आपको इसके नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है, ग्रीन नंबर प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इसके आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और ये इसका हॉर्न है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके नाइलो ग्रिप के इसके टायर हैं, बहुत ही बड़े MRF के, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 1800x17 के ये टायर हैं विद डिस्क ब्रेक्स। तो आपकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसमें रोड पे बहुत ही अच्छी पकड़ होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी बैटरी की केसिंग पूरी इस टाइप की है और उस पर अरिक की जो बैजिंग है वो लगी हुई है और यहाँ पे उसका कंपनी का लोगो भी आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगेन आपको बैजिंग मिल जाती है ईवीओस बाइक्स की। और फ्रेंड्स, पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको पिलियन राइडर के लिए यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक शॉकर्स मिल जाते हैं पीछे के साइड में। और अगेन पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है और इसमें हब मोटर लगी हुई है। और अगेन इसमें पीछे MRF के नाइलो ग्रिप टायर हैं, जैपल टायर्स, जो कि 17 इंच के आपको मिलेंगे पीछे। और रेसिंग टायर्स हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पीछे राइडिंग के दौरान। और यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर मिल जाते हैं राइट एंड लेफ्ट में। और पीछे आपको यहाँ पे इसमें अगेन बैजिंग मिल जाती है, कंपनी का लोगो मिल जाता है अरिक ईवीओस बाइक्स का। और यहाँ पे इसकी टेल लाइट है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी ईवीओस कंपनी के एग्जीक्यूटिव सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील जी, आप हमारे को आपकी बाइक की क्या फीचर हैं वो आप हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स को। देखो, कंपनी के फीचर्स ये है कि बाइक में टेल लाइट वगैरह मिल जाती है, ये कंपनी का लोगो मिल जाता है, तो साइड में इंडिकेटर वगैरह, हब मोटर, ओके, और जैसे और भी आगे है जैसे साइड स्टैंड वगैरह, हाँ जी, और चार्जिंग पॉइंट का एग्जिट सिस्टम है, ओके, यहाँ लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ से निकालो बैटरी में जो भी प्रॉब्लम है, या जैसे स्वैपेबल हो या रूम पे चार्ज करे वो भी कर सकते हो। और बाकी सर, यहाँ मीटर भी तीन प्रकार के है, तो टच स्क्रीन वाला आता है वो भी है, हाँ जी, ये डिजिटल भी है, और हम एनालॉग का तो कोई मतलब ही नहीं है सर, राइट। और बाकी सब इसमें सर सारे फीचर्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम तकलीफी कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें देखो सारे सिंबल आते हैं सर ऊपर, राइट। ये बैटरी का परसेंटेज भी यहाँ बताते हैं, ओके, ये जो स्पीड बताते हैं, मोड भी, यहाँ सारे फंक्शन इसमें है सर, ओके। तो इसमें जैसे यहाँ पे जगह दे रखी है, ये स्टोरेज टैंक के लिए है, हाँ जी, इसमें कोई भी सामान चार्जिंग इसके अंदर रख के चार्ज कर सकती है कहीं भी, ओके। और फ्रेंड, यहाँ पे इसके जो अलग अलग बटन हमने पहली बार देखे हैं इस टाइप के, तो सर इसमें ये क्या है कि ये बटन तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर के हैं, ओके, इसमें बाकी एक तो पार्किंग मोड का है, एक हॉर्न का है, ओके, और ये लाइटिंग का है ऊपर नीचे करने का, ओके, और ये गियर सिस्टम 1 2 3 ड्राइव मोड, और ये सर रिवर्स का, और ये जो टेक्निकल इशू के लिए आता है, ओके, और ये लाइटिंग का है, ओके। और फ्रेंड्स, इसके हम हॉर्न भी जाके देख लेते हैं, बहुत ही दमदार हॉर्न है इसके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हमने गाड़ी ऑन कर ली है, अब हम इसको फर्स्ट मोड पे चला के देखते हैं कितनी हमको टॉप स्पीड मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसका एक्सीलेटर चला दिया है, देख जैसे आप देख सकते हैं एक्सीलेटर चल गया है और इसकी टॉप स्पीड जो है फर्स्ट मोड पे अराउंड
43 किलोमीटर पर आर की आ रही है। इसके बाद हम इसमें लगा देते हैं सेकंड मोड और उसमें देखते हैं हमको कितनी टॉप स्पीड मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमको टॉप स्पीड अराउंड 53 किलोमीटर पर आर की मिल गई है। और फ्रेंड अब हम लगाएंगे इसमें थर्ड मोड, उस पर देखते हैं हमको कितनी टॉप स्पीड मिलती है। इस पर हमको मिलती है अराउंड आप देख पा रहे हैं 63 किलोमीटर पर आर की हमें टॉप स्पीड मिल गई है इसमें। तो फ्रेंड्स इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है, आपको ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिटी में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस स्पीड पे। मिलते हैं आज एवियोस कंपनी के ओनर के साथ। सर आपका नाम? नमस्कार, श्याम सुंदर बोल रहा हूँ। श्याम सुंदर जी, आप राजस्थान से हैं? सर आप जयपुर से हैं? हाँ जी। और सर हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे जयपुर से आप कौन सी ई बाइक्स लाए हमारे व्यूवर्स के लिए? हमारा ईवीओस के नाम से है, पावर्ड बाय हुंडई भी है। ओके। और हमारे पास में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों हैं। टू व्हीलर में हमारे पास में स्कूटर है और अभी हम बाइक लेके आए हैं। बाइक हम अर्बन एरियाज को ध्यान में रखते हुए हमने ऑफ रोडिंग की तरह बाइक बनाई है। ओके। जो टोटली मेटल बॉडी में है। और इसकी पावर की बात करें तो इसमें 2 किलोवाट की मोटर है। ओके। और इसका टॉप स्पीड है 70 का है। और इसका माइलेज की बात करें तो माइलेज 200 से अबव मार्केट में इसका माइलेज है। 200 से अबव इसका माइलेज है। वाह। और अभी ये कम्प्लीटली मेटल बॉडी में है। ओके। ये हमारा प्रोटोटाइपिंग है, जल्दी हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। ओके। और एक दूसरा मॉडल है हमारा GXR 250। ओके। ये हमारा 1,15,000 की जो प्राइस है वो है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 50 की है। ओके। और इसका जो मोटर है वो 1.5 किलोवाट का है। इसमें बैटरी का जो पावर है वो 60 वोल्ट और 45 AH की बैटरी है इसमें। और सर इसकी रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर से अबव इसकी रेंज है। ओके। और सर ये कितने घंटे में चार्ज हो जाती है इसकी बैटरी? ये चार्जिंग टाइम इसका तो है 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली। ओके। इस गाड़ी का एरिक का है वो है 4 घंटे। 4 घंटे? हाँ जी। तो 3-4 घंटे में फुल चार्ज फुल चार्ज हो जाएगी ये तो हम। और आप 200 किलोमीटर की रेंज ले सकते हैं इससे। ले सकते हैं। और इस बाइक से आप 100 किलोमीटर से रेंज ले सकते हैं। और प्राइसिंग का तभी वो डिफरेंस? प्राइसिंग का डिफरेंस तो केवल बैटरी पैक के हिसाब से है। काफी सारे कंपोनेंट इसमें हैवी हैं उसके हिसाब से भी है। ये पूरा जो है फैब्रिकेशन में है। हाँ जी। जो और ये है कम्प्लीटली मेटल बॉडी। ओके। तो ये भी डिफरेंट है इसमें। ओके। तो हमको ये कब तक मार्केट में ये मार्केट में हम जल्दी ना फरवरी माह में इसको मार्केट में ले आएंगे, लॉन्च हो जाएगी। हाँ जी। तो मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे मेल आईडी है contact@hyundaielectric.com उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.hyundaielectric.com। ओके। उस पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, टेस्ट राइडिंग के लिए आप बुक कर सकते हैं और जो भी इसके स्पेशली जो फीचर है वो सारी चीजें उस पर देख सकते हैं। जरूर सर, मैं आपका जो भी डिटेल है मैं आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा। Okay, तो वहाँ पे आपको व्यूवर्स आपको कॉन्टेक्ट करके आपका टेस्ट ड्राइव जो है वो बुक कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सर, नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू। ये है EVIOS पावर्ड बाय हुंडा ईवी की जिक्सर 250। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका मैं आपको वॉक अराउंड दे दूं। इसके यहाँ पे आप रियर मिरर देख पा रहे होंगे राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पे इसका आप स्पीडोमीटर देख पा रहे होंगे, एकदम नेकेड है ये। और यहाँ पे इसके ये हेडलाइट है जो कि एकदम कलरफुल दी गई है, LED ये हेडलाइट्स हैं इसकी। और ये इसके साथ में इंडिकेटर हैं लेफ्ट एंड राइट। और इसके बाद इसके नीचे इसकी आपको यहाँ पे नंबर प्लेट मिल जाती है ग्रीन कलर की। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स इसके आपको यहाँ पे टायर मिल जाते हैं MRF के ही, जो कि अराउंड 17 इंच के यहाँ पे आपको टायर मिल जाते हैं MRF नाइलो ग्रिप जैपर के, जो कि आपको बहुत अच्छी पकड़ देंगे रोड पे। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें आपको यहाँ पे जिक्सर 250 की आपको यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी। और ये पूरा केसिंग जो है इसके अंदर आपकी बैटरी रहेगी। और फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए फुटरेस्ट, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिल जाता है, और इसका यहाँ पे पिलन राइडर के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट मिलेगा।
और फ्रेंड्स पीछे आप देख पा रहे होंगे इसके आपको हाइड्रोलिक शॉकर्स मिल जाते हैं दोनों यहाँ पे और उस साइड पीछे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हब मोटर मिलती है इसकी व्हील के अंदर ही, और इसके अंदर पीछे भी MRF के नाइलो ग्रिप के जैपर टायर लगे हुए हैं 17 इंच इसके। और फ्रेंड्स आप पीछे देख लेते हैं, इसकी लुक बहुत ही नेकेड है, बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक है। और पीछे इसके इंडिकेटर हैं लेफ्ट एंड राइट, और बीच में इसकी ये टेल लाइट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये इसके नंबर प्लेट के लिए लाइट दी गई है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी आपकी ग्रीन कलर की क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है। और फ्रेंड्स अब इस तरफ चलें तो यहाँ पे इसके आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है दोनों तरफ। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको जिक्सर 250 यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए एक कंसोल दिया जा रहा है। और फ्रेंड आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक, एक बार मैं आपको ऑन करके वापस दिखाता हूँ कि कैसी इसकी लुक आती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 2000 RPM पर मिनट स्पीड, और ट्रिप कितना किलोमीटर ये ट्रिप चल चुकी है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वोल्टेज बैटरी दिखा रहा होगा आपको भी 0% चार्ज है ये। और फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग इसके को डायल दिखा देता हूँ, ये ड्राइव मोड है इसका, अभी थर्ड मोड पे है ये, फिर सेकंड, फर्स्ट, तीन मोड हैं इसके ड्राइव मोड्स के। और यहाँ पे ये इसकी लाइट्स हैं, ये ऑफ हो गए हैं लाइट्स, ये रिवर्स गियर के लिए भी इसमें बटन दिया गया है। इसमें टोटल 3 मोड्स हैं ड्राइव के, 1, 2 एंड 3 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये रिवर्स मोड के लिए अलग से इसमें बटन दिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसके लाइट्स के लिए हाई एंड लो बीम के लिए लाइट बटन दिए गए हैं, और ये इसके इंडिकेटर हैं लेफ्ट के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट, और राइट के लिए ये वाला। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका हॉर्न भी हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी जयपुर बेस्ड ईवोस कंपनी की दोनों बाइक्स अरिक और GXR 250 का रिव्यू, आपको हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में आप हमें बताइए, और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और फ्रेंड्स आप ग्रीन मोबिलिटी को अपनाइए ताकि हम अपनी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें और हमें बाहर के तेल की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ड्राइव सेफ एंड वेयर योर हेलमेट ऑलवेज। बाय बाय।